हेलो। हेलो, हाँ जी। सर मैं सोनाली बोल रही हूँ, वाटर में आपसे बात करती थी। सर मैं आपके बताए हुए मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, तो ये हाँ। मेरा प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाएगा क्या? तो मैं जल्दी से ठीक करती मैं देखिए, जल्दी से प्रॉब्लम जाना। उम्मीद तो है जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप बताओ अभी कितना फर्क लग रहा है? 10% तो हो गया होगा। हाँ लेकिन मुझे ये स्ट्रेस बहुत लग रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने बोला हाँ तुम्हें आ रही है, तो तब उसी वक्त में मेरा नेगेटिव माने जब हम नजर आ रहे हैं। नहीं, ज्यादा चिंता मत करो। नहीं मुझे क्या आ रहे हैं, मैं यही तो नहीं समझ रहा हूँ। यार देखो, एक आरे होता है आर्थराइटिस, ठीक है। इसका जो तुम्हारा दूसरा टेस्ट है ना, ASO, हाँ जो टेस्ट किया था ना, ASO बड़ा हुआ हाँ है, उसका हाँ मतलब हाँ होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जॉइंट पेन हो सकता है। तो आप जैसे अच्छा जैसे ये करोगे, अगर आपको जॉइंट पेन में आराम मिलना शुरू हो गया तो ठीक हो हाँ जाएगा वो हफ्ते 10 दिन में। उसमें चिंता करने की क्या बात है? तो ASO मेरा क्या कम हो जाएगा जो काउंट है? हाँ यार, कम हो जाएगा। तुम करो तो सही। तुम चिंता इतना कर रहे हो, और इतना चिंता करने से कुछ नहीं होता। इतना चिंता करने की जगह अगर यही टाइम तुम उसमें वॉक एंड रेस्ट में लगाओगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा नहीं वो बहुत जो डॉक्टर ने बोला ना तब से मुझे प्रॉब्लम है। और जो हाथ पाँव बैठ जाता है वो क्या इसमें होता है जो क्या चीज? मैं डिजेबिलिटी हो जाती है, कोई काहे की डिसेबिलिटी? पेन होते होते एक समय डिफॉर्मेटी हो जाती है ना? अरे यार, आरे नहीं है। आपको कितनी बार बताऊं, आरे नहीं है, वो दूसरा प्रॉब्लम है। आरे नहीं है, आरे 9 है आपका, 14 से कम है। वो आपको दिख रहा है, आरे फैक्टर कम है। आरे नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा आर्थराइटिस नहीं है, ये दूसरा प्रॉब्लम है। अपने आप से ठीक हो जाएगा, बल्कि हो सकता है अभी तक ठीक भी हो गया। आप ये तो बता नहीं रहे हो कि कितना आराम हुआ अभी आपको। हाँ मैं सब मेडिसिन मैंने बंद कर दिया है, ठीक है मेडिसिन मैंने बंद कर दिया है, और ये और मुझे लगता है कुछ आराम हो रहे हैं। तो मेरा जो ये मैंने डॉक्टर ने जो टेंशन मेरे अंदर भर दिया है उसके वजह से मेरे ये प्रॉब्लम है कि हाँ कोई बात नहीं। नहीं तो अभी मुझे कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो ये क्या मैं जैसे फॉलो कर रही हूँ 10 दिन में मेरे मुझे आराम मिल जाएगा? हाँ, 10 दिन में और आराम मिल जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाओगे। अच्छा, तो वो मेरे ASO जब कम हो जाएगा तो मैं कंसिव कर सकती हूँ? नहीं क्या कम हो जाएगा? वो जो ASO जो काउंट है वो हाँ, वो भी ठीक हो 339 जाएगा। और उसका कंसीव करने से क्या लेना देना है? कंसीव तो उससे करने से कोई कुछ तो नहीं, उससे कंसीव करने का क्या लेना देना है उसका? वो बेसिकली आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा ना, तो अपने आप से ठीक हो जाएगा। अभी आप कंसीव करने के बारे में मत प्लान करो, अभी 6 महीने रुक जाओ। छः अच्छा महीने साल भर रुको, जब आपकी हेल्थ बन जाए ना, अच्छी हेल्थ बन जाएगी। अब अगर इस टाइम पर कंसीव करोगी तो बच्चा भी तो वीक ही होगा ना। अच्छा जितना तुम्हारी हेल्थ होगी उतना ही तो बच्चे की हेल्थ होगी। तो अच्छा अच्छा अभी आराम से अपना हेल्थ बनाओ, एनर्जी बढ़ाओ, और धीरे धीरे इसको करो। ज्यादा भी मत करो, कम भी मत करो, आराम आराम से करो। टेंशन ज्यादा मत लो। अच्छा हो सकता है टेंशन से ही पेन फेन बढ़ रहा है नहीं, टेंशन से तो नहीं बढ़ता, पर आप मतलब ये रास्ता जो है ना, ये एकदम ठीक ठाक है, और धीरे धीरे करके आपको इससे आराम भी मिल जाएगा। आपको अपने आप पता चलेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप अभी तो आपको एंग्जाइटी और एंग्जाइटी कुछ होता है, डिप्रेशन होता है? हाँ और एंग्जायटी डिप्रेशन वो मुझे बहुत होता है। मैं चाहती हूँ नहीं हो, तुम ये बताओ, मैं ये ठीक से बताओ, रहता हूँ। हाँ ये बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट पीरियड कब ड्यू है? अब 23 डेज अंतर अंतर होता है तो हाँ, मेरा 17 तारीख को हुआ था तो 17। कौन सी 17? पिछले साल, पिछले महीने? हाँ। तो फिर 17 तारीख से तो महीना खत्म हो गया, 28 दिन तो हो गए फिर तो। नहीं मैंने ये रिसेंट हुआ था, रिसेंट 1 सप्ताह 17 दिन के बाद, 17 तारीख के बाद, 23 दिन के बाद मुझे ये रिसेंट हुआ था पीरियड। क्या हुआ था? कब 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 हुआ? यही कुछ 10 दिन पहले।
दस दिन नहीं, दस दिन पहले स्टार्ट हुआ था और फिर डेट याद नहीं है? फिर नहीं, डेट तो मैंने गोल दाग दिया हुआ है, अभी याद नहीं है, तो 5-6 दिन रहा था। तो ठीक है, फिर अब आपने चालू किया ना, अब देखो वो पीरियड का साइकिल जो है ना 23 का, वो भी ठीक होने लग जाएगा। अगला भी तो आपका 10 दिन हो गए, तो आपका 13 दिन बाद आएगा ना, तो इसको ठीक से करते रहो तो वो साइकिल भी ठीक हो जाएगा आपका। और कुछ ये सर ने किया है वो भी बड़ा हुआ है, मैंने और एक रिपोर्ट है, तो उससे क्या कुछ होता है? भेजो भेजो रिपोर्ट भेजो, साफ साफ भेजना, देख के पढ़ने में आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या कोई अर्थराइटिस का संबंध होता है ये सर से? सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है ना वो सब कनेक्टेड होती है। आपका जो आर्थराइटिस तो आप छोड़ दो, क्योंकि आर ए फैक्टर तो नेगेटिव है आपका, वो तो नहीं है। फिर जो एएसओ है, एएसओ बड़ा हुआ है, ये सारा का सारा चीजें, जैसी कमजोरी शुरू होती है तो कोई भी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सारे के सारे एक कनेक्टेड होता है, मतलब एक दूसरे से ही, मतलब मेन कारण होता है कमजोरी होना। कमजोरी होगी तो सारी दुनिया भर की बीमारियां लगेंगी। आपका जैसे जैसे ताकत ठीक होता रहेगा, कमजोरी खत्म होती रहेगी, वैसे वैसे ठीक हो जाओगे। मैंने ये आज 8 बजे नाश्ता किया 1 गिलास पानी के साथ, और खाने के 1 घंटा पहले मैंने 1 गिलास पानी पीऊ, और फिर लंच करता हूँ, लंच के साथ 1 गिलास पानी पीती हूँ, और 8 बजे डिनर करती हूँ, डिनर से पहले 1 गिलास पानी और डिनर के साथ 1 गिलास पानी। ठीक है, एक दिन 6 गिलास है, एक दिन 3 गिलास, ऐसे ही कर रहे हो ना? हाँ, मैंने एक दिन 6 गिलास कर रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट दिन 3 गिलास, फिर 6 गिलास, फिर 3 गिलास। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसे मुझे चलना है। वही दवाई ववाई मैंने सब बंद कर दिया है, असल इतने दवाई मन खाने से मुझे उल्टी आती है, दवाई मैंने गैस होती है दवाई से। हाँ कोई नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वो पेन फेन भी सब चला जाएगा ना? जो पेन फेन है अभी गया नहीं है क्या? अब थोड़ी जा रही है, मैं दवाई लेती थी ना, जिस दिन से आपने आपके साथ मुझे कांटेक्ट हुआ है उस दिन से मैंने दवाई बंद की है, उससे पहले मैं दवाई लेती थी, तो उसका ही एक्शन है या नहीं मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, पहले से तो पेन कम हुआ ना? हाँ, पहले से पेन कम है। हाँ, तो फिर दवा बंद करने के बाद पेन कम हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब मेरे कमजोरी की वजह से हुआ था नहीं? हाँ, खाने पीने में जो गड़बड़ होता है ना, ज्यादा पानी पीने से, अब अगर मान लो किसी सब्जी में 1/2 लीटर पानी डालना है, 2 लीटर डाल दोगे तो फीका बनेगा ना। हाँ, बस वही काम हो रहा है, आप ज्यादा पानी पी रहे थे। आप कितना पानी पी रहे थे? 3 लीटर, 3.5 लीटर बहुत पी रहे। तो उसी वजह से प्रॉब्लम, मैंने असल में मेरा पेट का प्रॉब्लम था ना, मैंने समझा पानी पीने से ठीक हो जाएगा, वो मुझे पेट में आम आता था। डॉक्टर भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, वो भी ठीक हो जाएगा, वो पेट का प्रॉब्लम में ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे वो ठीक होता जाएगा ना, पानी कम हो जाएगा तो सब्जी अच्छी बनेगी। अच्छा, और खाना क्या 3 टाइम ही खाओ, उसके बाहर मैं कुछ नहीं खाती? नहीं, 3 टाइम के बाद भी और भी कम करना है, 2 टाइम पर आना है, अभी कमजोरी पहले खत्म हो जाएगी, 3 टाइम अभी खाते रहो, अभी 15-20 दिन तक आपकी कमजोरी ठीक हो जाएगी, आपको ताकत आ जाएगी, तो फिर 2 टाइम खाना है सुबह और शाम को। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये मेरा जो ये सब बड़ा है वो मेरा इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, थ्रोट का इन्फेक्शन या कुछ? नहीं नहीं यार, वो कुछ नहीं होता उससे, वो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, मैं वो रिपोर्ट भी आपको भेज दूंगी, ये सर वाला जो है। ठीक है, थैंक यू।